हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीआईएमटी यूट्यूब चैनल। बीबीए फाइनल ईयर यानी फिफ्थ सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल लॉ, उसके बारे में हम कर रहे हैं अपना। तो हमने फर्स्ट ईयर में हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने उसका मीनिंग वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है, मीनिंग ऑब्जेक्टिव क्या उसके, उसकी डेफिनेशन जो मेन इंपॉर्टेंट थी वो पढ़ ली है, हेल्थ की प्रोविजन पढ़ ली है, वेलफेयर की प्रोविजन पढ़ ली है। अब हम कर रहे हैं सेफ्टी की प्रोविजन। अगर आपने इनमें से पहले कोई भी नोट अभी नहीं आपने पढ़ा है तो ऊपर लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आसानी से आप बीबीए फाइनल ईयर पे जाकर उसे ढूंढ सकते हो और ये अपने लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हो। अब हम सेफ्टी के बारे में, हमने पिछले लेक्चर में 8 उसके प्रोविजंस की थी, 8 सेक्शन किए थे, जो सेक्शन हमारे 21 से लेकर 28 तक हमने कर लिए थे, आज हम उसपे आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार गोथ्रू हो जाते हैं जिन्होंने पहला पार्ट वन नहीं सेफ्टी प्रोविजन का पढ़ा है, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि हमने क्या क्या एट हमने पढ़ा था। अब ये पार्ट टू है सेफ्टी प्रोविजन, इसमें पार्ट टू है जो कि उसकी 21 प्रोविजन है सेफ्टी की, बहुत बड़ी है, इससे हमने उसे 3 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया है, 3 या 4 लेक्चर्स में। तो आज हमारा सेकेंड लेक्चर है सेफ्टी की प्रोविजन का। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन फुल फ्लेज आ जाए या हो सकता है इसके जो पार्ट है फेंसिंग ऑफ मशीनरी इसके बारे में आपको शॉर्ट नॉट आ जाए, तो आपको दोनों तरीके से समझना है और इसे रिवाइज करना है कि इसमें आखिर है क्या। फेंसिंग ऑफ मशीनरी सेक्शन 21 में पढ़ा था। सेकंड हमने प्रोविजन की थी वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, वो हमने पढ़ा था सेक्शन 22। फिर हमने किया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क फोर्सेस ऑन डेंजरस मशीन्स सेक्शन 23। सेक्शन 24 में हमने किया था स्ट्राइकिंग गियर और डिवाइसेस फॉर कटिंग पावर। तो इस तरीके से हमने ये 4 की थी। फिफ्थ थी हमारी सेल्फ एक्टिंग मशीन सेक्शन 25, इनके बारे में डिटेल में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, उसमें जाकर अगर आपने अभी तक नहीं वो लेक्चर अटेंड किया तो आप अपने पिछले लेक्चर में जाकर उसे अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोविजन थी, 6th प्रोविजन थी केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी सेक्शन 26। 7th था हमारा इसका पॉइंट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर क्वार्टर ऑफ नर्स सेक्शन 27। और सेक्शन 28 था हॉल्स एंड लिफ्ट्स, ये सेक्शन 28 के अंदर हमने किया था। आज हम सेक्शन 29 है सेफ्टी की प्रोविजन का अपना 9th पॉइंट हम करेंगे। ये है रिलेटेड टू लिफ्टिंग मशीन्स चेन्स रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स सेक्शन 29। लिफ्टिंग मशीन्स मींस जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में हैवी लोड्स के जो सामान होते हैं, चाहे रॉ मटेरियल है चाहे फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उन्हें लिफ्ट करने के लिए लिफ्टिंग मशीन्स होती है, जहां से उन्हें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहले मतलब ऊपर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लेके आया जाता है। तो लिफ्टिंग मशीन से रिलेटेड या चेन्स या रोप जो यूज हो रही है इस सारे मैकेनिज्म में उसके रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है, ये हम सारा सेक्शन 29 में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 29 में हम करेंगे। इन एनी फैक्ट्री द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी कंप्लायंट विद इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी लिफ्टिंग मशीन अदर देन द हॉइस्ट एंड लिफ्ट एंड एवरी चेन रोप एंड लिफ्टिंग टेकल फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग और लोअरिंग प्रोसेस गुड्स और मटीरियल्स। कि 8 में हमने पढ़ा था हॉइस्ट या लिफ्ट के बारे में। अब लिफ्ट वगैरह को छोड़कर अगर हमारी कोई लिफ्टिंग मशीन अलग तरीके की है जो ओपन होती है या किसी और तरीके की होती है जो चेन्स होती है उसके थ्रू अगर सामान को ऊपर खींचते हैं या रस्सियों के सहारे हम खींचते हैं तो उनके बारे में क्या क्या प्रोविजन है, ये इसके 9th के फर्स्ट पॉइंट के सेक्शन 1 में है। ऑल पार्ट्स इंक्लूडिंग द वर्किंग गियर वेदर फिक्स्ड और मूवेबल ऑफ एवरी लिफ्टिंग मशीन एंड एवरी चेन रोप और लिफ्टिंग मशीन शेल बी, क्या है कैसी होनी चाहिए मशीन जो भी यूज हो रही है, जो भी आप इसमें लिखना है आपको एज इट इज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस सेक्शन वही होना चाहिए जो है 9th पॉइंट का, लेकिन जो आप इसके अंदर की जो चीजें हैं वो अपने अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो। ये टिपिकल लॉ की तरह नहीं है कि जो लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड आपको वैसे लिखना पड़ता है, वो सिर्फ आपको डेफिनेशन में करना पड़ेगा कि जो डेफिनेशन आपको वैसे की वैसे लिखनी है, लेकिन आप इसमें कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा लेकिन आप इसमें वर्डिंग अपनी चेंज कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी हमारी चेन है रोप है लिफ्टिंग मशीन है दे शुड बी ऑफ गुड कंस्ट्रक्शन साउंड मटीरियल एंड एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, सेफ होनी चाहिए हमारी कंस्ट्रक्शन की अच्छी तरीके से होनी चाहिए, अच्छा मटीरियल यूज हुआ होना चाहिए, मतलब ये बेसिक सी चीजें हैं जो एक फैक्ट्री में किसी लिफ्टिंग मशीन रोप या चेन से रिलेटेड होती है। सेकेंड है प्रॉपरली मेंटेन, अगर स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्टेड है लेकिन मेंटेनेंस उनकी प्रॉपर नहीं है तब ये हो सकता है कि कभी नुकसान कर जाए, इसलिए उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड है। फिर है थॉरली एग्जामिन बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ
कम से कम एक बार वो एग्जामिन थॉरली एग्जामिन होनी चाहिए, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, क्या चेन पे जंग तो नहीं आ गया, रस्सी घिस तो नहीं गई है, लिफ्टिंग मशीन की जो वेटेज पावर है क्या उसमें कोई जो हमारा बोल्ट है नट है वो लूज तो नहीं हो गया है। उस तरीके से ये सारे एग्जामिनेशन प्रॉपरली थोरो एग्जामिनेशन होनी चाहिए। फिर हमारा बी पॉइंट है नो लिफ्टिंग मशीन एंड नो चेन रोप और नो चेन रोप और लिफ्टिंग टैकल शेल एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट बी लोडेड बियॉन्ड द सेफ वर्किंग लोड विच शेल बी प्लेनली मार्क देयर ऑन टुगेदर विद एन आइडेंटिफिकेशन मार्क एंड ड्यूली एंटर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर। कि हर काम के लिए एक तो रजिस्टर होना चाहिए कि हाँ इतना है इस टाइम पे एग्जामिन हुआ इस टाइम पे नहीं, और साथ ही साथ कि जितनी उसकी कैपेसिटी है वो भी प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए, और उसकी जजमेंट के अलावा कभी भी आप उसे उससे ज्यादा जो भी आपका मार्क है कि आप किस लेवल से ज्यादा कोई चीज नहीं कर सकते हो उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। आप जब सबसे पहले एग्जामिन कर रहे हो बस तभी आप मार्किंग के लिए उसे यूज कर सकते हो कि हम कितनी कर सकते हैं उसे जज कर देते हैं। इसका सी पॉइंट है फिर व्हाइल एनी पर्सन इज एम्प्लॉयड और वर्किंग ऑल ऑन नियर द व्हील रैक ऑफ अ ट्रैवलिंग क्रेन इन एनी प्लेस वेयर ही वुड बी लायबल टू बी स्ट्रक बाय द क्रेन इफेक्टिव मेजर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट क्रेन डज नॉट अप्रोच विद इन 6 meters ऑफ दैट प्लेस। कि अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे क्रेन वगैरह यूज हो रही है तो 6 meters के हर तरफ से 6 meters के दायरे में कोई भी लोग नहीं आने चाहिए ताकि वो क्रेन का जो भी काम हो रहा है उसमें कोई भी मतलब उस पर डिस्टर्बेंस ना क्रिएट कर सके ना ही उन्हें कोई इंजरी। फिर हमारा स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लिफ्टिंग मशीन और एनी चेन रोप और लिफ्टिंग टैकल यूज इन फैक्ट्रीज। की स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है वो किसी भी तरीके का कोई भी रूल या कोई भी प्रोविजन सेट कर सकती है। ये पॉइंट आप हर अपने पॉइंट में लिख सकते हो, हर प्रोविजन के किसी भी प्रोविजन के हर सेक्शन में लिख सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है रूल्स वगैरह बनाने का प्रोविजंस बनाने का। प्रिस्क्राइबिंग फर्दर रिक्वायरमेंट्स टू बी कंप्लाइड विद इन एडिशन टू दोस सेट आउट इन दिस सेक्शन। की इसके अलावा भी अगर कोई प्रोविजन या कोई नेसेसरी चीजें चाहिए तो उसके बारे में बता सकता है। प्रोवाइडिंग फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम कंप्लायंस विद ऑल और एनी अदर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन। कि जहां पर उसे लगता है कि ये जरूरी नहीं है किसी फैक्ट्री में या कोई सेक्शन या कोई चीज कोई भी इसमें से कोई पॉइंट जरूरी नहीं है या कोई एक पॉइंट जरूरी नहीं है उसके बारे में भी वो किसी फैक्ट्री को प्रोहिबिट कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि आपको इस चीज की कोई जरूरत नहीं। फिर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ लिफ्टिंग मशीन और चेन रोप और लिफ्टिंग टैकल शेल बी डीम्ड टू हैव बीन थॉरली एग्जामिन्ड इफ अ विजुअल एग्जामिनेशन सप्लीमेंटेड। अगर विजुअल एग्जामिनेशन सप्लीमेंट हो जाती है तो प्रॉपरली उसे थॉरली एग्जामिन होना जरूरी है। ये हमारा 9th पॉइंट था लिफ्टिंग मशीन के चेन से या रोप से रिलेटेड सेक्शन 29 के अंदर। अब हमारा सेक्शन 30 के अंदर आ रहा है रिवॉल्विंग मशीनरी। रिवॉल्विंग मशीनरी मीन्स जो गोल 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 घूमती मशीन उनके बारे में। इन एवरी फैक्ट्री इन विच द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग इज कैरिड ऑन देयर शेल बी परमानेंटली अफिक्स्ड टू और प्लेस नियर ईच मशीन इन केस इन यूज अ नोटिस इंडिकेटिंग द मैक्सिमम सेफ वर्किंग फेरिकल स्पीड ऑफ एवरी ग्राइंडस्टोन और एब्रीविएटेड व्हील। कि जो भी स्पीड उनकी होती है अगर ग्राइंडिंग मशीन है या कोई भी है जो रिवॉल्व होती रहती है उसके रिगार्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि उसकी इतनी स्पीड होनी चाहिए, इतने एरिया में कोई आना नहीं चाहिए, मतलब ये सारी चीजें प्रॉपरली नोटिस लगा होना चाहिए कि इतनी उसकी स्पीड मैक्सिमम लिमिट इतनी उसकी अलॉट की गई। द स्पीड इंडिकेटेड इन नोटिस अंडर सेक्शन 1 शैल नॉट बी एक्सीडेड। उससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए जितनी की नोटिस में दी गई। इफेक्टिव मेजर शुड बी टेकन इन एवरी फैक्ट्री टू इंश्योर दैट सेफ वर्किंग पेरिफेरल स्पीड ऑफ एवरी रिवॉल्विंग व्हील केज बास्केट फ्लाइंग पुले डिस्क और सिमिलर अप्लायंस ड्राइवन बाय पावर इज नॉट एक्सीडेड। कि प्रॉपर एग्जामिनेशन होनी चाहिए कि नोटिस तो आपने लगा दे तो दैट्स नॉट इनफ कि आपको उसकी प्रॉपरली एग्जामिनेशन भी करनी पड़ेगी क्या फैक्ट्री उसकी मतलब लापरवाही तो नहीं कर रही उसके अगेंस्ट, क्या उस स्पीड में काम हो रहा है जितना मेंशन है उससे ज्यादा तो नहीं हो रहा, इसकी प्रॉपरली एग्जामिनेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 31 के अंदर आ रहा है प्रेशर प्लांट। प्रेशर प्लांट जहां पर नॉर्मल प्रेशर पॉइंट से प्रेशर प्लांट से ज्यादा आर्टिफिशियली इंक्रीज किया जाता है प्रेशर तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या हमारे हैं प्लांट के प्रोविजन। फैक्ट्री में इफ इन एनी फैक्ट्री एनी प्लांट और मशीनरी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज ऑपरेटेड एट अ प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर
Effective measures should be taken to ensure that the safe working pressure of such plant or machinery or part is not exceeded. कि उससे ज्यादा वो नहीं होना चाहिए जितना कि मेंशन है. अगर आपका नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर पे आप काम करवा रहे हो किसी भी अपने वर्क पे फैक्ट्री के, तो वो प्रॉपरली एक तो मेंशन होना चाहिए और उससे वो कभी भी एक्सीड नहीं करना चाहिए, जितना लिमिटेड है उतना ही होना चाहिए. फिर है नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट मे इम्पोज प्रोवाइडेड फॉर द एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग ऑफ एनी प्लांट और मशीनरी सच एज इज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 एंड प्रिस्क्राइबिंग सच अदर सेफ्टी मेजर्स इन रिलेशन देयर एज may in its opinion be necessary in any factory or class or description of factories. कि अगर उसे चाहिए कि इंस्पेक्शन की जरूरत है तो स्टेट गवर्नमेंट इंस्पेक्शन भी करवा सकती है. The state government may by rules exempt subject to such conditions as may be specified therein any part of any plant or machinery they are referred to in subsection 1 from the provisions of this section. कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो किसी को एग्जम्प्ट नहीं कर सकती है कि आपको ये प्रोविजन फॉलो नहीं करते. तो ये सारा जो हमारे पावर्स होती है मेन स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होती है कि कोई भी रूल को फॉलो करवाना या उन्हें एग्जम्प्ट करना कि वो फॉलो ना हो. नेक्स्ट हमारा आ रहा है सेक्शन 32, फ्लोर स्टेयर्स एंड मींस ऑफ एक्सेस. कि फ्लोर्स जो नॉर्मल जहाँ पे आप चल कर जाते हो, वॉक करते हो या काम करते हो, स्टेयर्स या फिर जो हमारे मीन्स ऑफ एक्सेस है जहां पर आप जा सकते हो अपने फ्री टाइम में या वैसे नॉर्मल अपने वर्किंग आवर्स में आप जाते हो, उनके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन है. इन एवरी फैक्ट्री ऑल फ्लोर स्टेप्स स्टेयर्स पैसेजेस एंड गैंगवेज शुड बी ऑफ साउंड कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपरली मेंटेन एंड शुड बी कैप्ट फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन एंड सब्सटेंसेस लाइकली टू कॉज पर्सन टू स्लिप एंड वेयर इट इज नेसेसरी टू इंश्योर सेफ्टी. स्टेप्स स्टेयर्स पैसेजेस एंड गैंगवेज शैल बी प्रोवाइडेड विद सब्सटेंशियल हैंड रेज. मतलब जो साइड पे प्रॉपर सपोर्ट होता है अगर जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे होना चाहिए. फ्लोर्स वगैरह इस तरीके से नहीं हो जहां पर लोग स्लिप वगैरह कर जाए या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जहां पे उन्हें काम करने में या कहीं पे पास उनको होने में कोई डिफिकल्टी है. तो प्रॉपरली स्मूथ उनका जो फ्लोर्स है स्टेयर्स है स्मूथ होने चाहिए जहां पे वो आसानी से ट्रेवल कर सकते. नेक्स्ट है इसमें, देयर शेल बी सो देयर शेल सो फार एज इज रीजनेबल प्रैक्टिकेबल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन सेफ मींस ऑफ एक्सेस टू एवरी प्लेस एट विच एनी पर्सन इज एट एनी टाइम रिक्वायर्ड टू वर्क. कि जहां पर भी काम करने में ड्यूरिंग उसे कहीं पर भी जाना हो तो उसका सेफ एक्सेस हो. ये ना हो कि जहां से उसे निकल कर जाना हो वहां पे प्रॉपर आपकी हैंडल्स नहीं है, प्रॉपर आपकी सेफ्टी नहीं है, कि आपके मतलब ऐसी मीन्स है जहां से आपकी लाइफ को डेंजर है या इंजरी का आपको डर है, तो ऐसी जगह से निकलने आपको सेफ एक्सेस ही प्रोवाइड करना पड़ेगा फैक्ट्री में. व्हेन एनी पर्सन हैज टू वर्क एट ए हाइट फ्रॉम वेयर ही इज लाइकली टू फॉल प्रोविजन शुड बी मेड सो फार एज इट रीजनेबल प्रैक्टिकेबल बाय फेंसिंग और अदरवाइज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पर्सन सो वर्किंग. अगर कोई पर्सन किसी हाइट पर काम कर रहा है जो उसकी सेफ्टी के अकॉर्डिंगली ज्यादा है तो अगर मतलब सेफ्टी उसकी ज्यादा रिक्वायर्ड है वहां पर तो प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए जिससे कि वो वहां से गिर ना जाए, उसे कोई एक्सीडेंट ना हो, उसका कोई इंजरी ना हो. इस तरीके से ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी है. हमारा नेक्स्ट है पिट्स सम ओपनिंग्स इन फ्लोर्स एक्सेट्रा सेक्शन 33. पिट्स मीन अगर जगह था कोई गड्ढे है या कोई जगह खुली पड़ी है वहां पर तो उसके रिलेटेड क्या क्या हमारे प्रोविजन है सेक्शन 33 में मेंशन रहेंगे. In every factory, fixed vessel, tank, pit, or opening in the ground or floor in which, by reason of its depth, situation, construction, or contents is, or may be a source of danger, shall be either securely covered or securely fenced. कि अगर कोई ओपनिंग खुली छोटी हुई है तो या तो प्रॉपरली उसे कवर करके रखना पड़ेगा या फिर उसके आसपास फेंसिंग बनानी पड़ेगी, बाउंड्री बनानी पड़ेगी ताकि किसी पर्सन को वहां से कोई वर्कर को इंजरी ना हो जाए. The state government may by order in writing exempt subject to such conditions as may be prescribed any factory or class or description of factories in respect of any vessel, some stand pit or opening from compliance with the provision of this section. कि state government किसी factory को exempt भी कर सकता है इन provisions को follow करने से. और हमारा फिर next आ रहा है इसमें section 34 के अंदर excessive weights. कि जितने भी आपको weight दिया हुआ है कि इस
स्ट्रेट से ज्यादा आप लोग ट्रेवल नहीं कर सकते लिफ्ट में या कोई भी आपकी लिफ्टिंग मशीन है उसमें, तो क्या है उसके उसके रिगार्डिंग क्या है प्रोविजन। नो पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग टू लिफ्ट कैरी और मूव एनी लोड सो हैवी एज टू बी लाइकली टू कॉज हिम इंजरी, कि कोई भी पर्सन को लिफ्ट करने के लिए उन्हें मतलब अलाउंस नहीं है, जितना उन्हें मेंशन है उतना ही वो वेट लिफ्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो लिफ्ट नहीं कर सकते हैं उनकी सेहत की और उनकी सेफ्टी की और ध्यान रखते हैं। द सेम कमिटमेंट मे रूल्स प्रिस्क्राइबिंग द मैक्सिमम वेट्स विच मे बी लिफ्टेड कैरिड और मूव बाय एडल्ट मैन एडल्ट वुमेन एडोलेसेंट्स एंड चिल्ड्रन एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और एनी क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज और इन कैरिंग ऑन एनी स्पेसिफाइड प्रोसेस, कि वो प्रॉपरली मेंशन कर सकती है कि एडल्ट मैन के लिए कितना वेट उठाना लोड करना मतलब अलाउड है, वुमेन के लिए कितना है, एडोलेसेंट्स के लिए कितना है, या और भी जो वर्कर्स हैं उनके लिए कितना है। तो ये सब चीजें हैं सेक्शन 34 के अंदर। सेक्शन 35 जो हमारी मेन प्रोविजन है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये 6 पॉइंट्स में जो हमने 9 से लेकर 14 तक किए पॉइंट उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, या आपको एज डिटेल पूरे के पूरे करके भी आ सकते हैं कि सेफ्टी प्रोविजन बताओ फैक्ट्री एक्ट में कौन कौन सी है, या फिर इनके पूरे कोई पॉइंट्स भी आ सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ आईज रिलेटेड सेफ्टी में क्या क्या फैक्ट्री एक्ट में क्या क्या प्रोविजन दी गई है। तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रोटेक्शन ऑफ आई हमारा सेफ्टी चैप्टर के अंदर आता है, सेक्शन हमारा है 35। इस तरीके से आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा और इसके सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। इसमें आपको जैसे मैंने पहले बताया है पूरा एज वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप पेपर में पढ़ सकते हैं, वैसे तो वर्डिंग बिल्कुल सिंपल है, आसानी से उसे रिमेम्बर भी कर सकते हैं कि आपने उसके बारे में लिखा क्या होगा, बहुत कॉमन से पॉइंट्स हैं। फिर भी कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख सकते हैं। विजिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम है तो नोट्स साथ में अटैच कर दिए जाएंगे, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।